घर से निकले थे नाराज होके, अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, अब क्या करूँ। ढूंढने जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ, फोन करूँ पता नहीं फोन उठाएंगे या नहीं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बस आ जाए एक बार घर, आप आते ही सबमिट करूँगी, उसके बाद माफी भी मांगूंगी कि मुझे इसे नहीं करना चाहिए था, मेरे महान पति ने मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आए तब तो ना, इतना टाइम हो गया, राती हो गया, अभी तक आए नहीं। अगर आ जाओ महान पति, कहाँ पे हो, आपकी पत्नी को यहाँ आके लेकर के डर लगता है घर पे। अरे अब आ गए महान पति देव, इतनी देर को कहाँ पे थे, अभी तक कितना टाइम हो गया। तुमने मुझसे झगड़ा किया था। हाँ मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं आपके पास आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी। अच्छा, वो गलती मेरा ही था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ज्यादा। अब माफ तो कर दिए ना। माफ अब मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं अकेले कैसे रहूंगी। सर सोचिए तो, इतना बड़ा घर में अकेले, अगर कोई चोर और आ गए कुछ हो गया तो बताइए। हो गया तो हो जाए। अच्छा आपको आपकी पत्नी को पूरा भी प्यार नहीं? प्यार तो बहुत है, चिंता चिंता भी बहुत है। वो अकेले अकेले छोड़ के कहाँ। तुम मुझसे झगड़ा? मैंने बोला ना मेरे मान मैं उससे मतलब मैं ज्यादा ही बोलती हूँ ना, पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ। पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए था, तुमने मांगा? आप माफ, चलो चलो दोनों पैर पकड़ना चाहिए था। चलो चलो ठीक है, हो गया माफ कर दीजिए। हाँ हो गया, माफ कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं, पैसा वाला माफी है? तुम ये क्या कर रही थी ऐसे ऐसे? वो मैं सोच रही थी ना। हाँ क्या सोच रही थी? मेरे महान पति देव कब आएंगे, कब आएंगे, ऐसे सोच रही थी। कब से मैं आपकी इंतजार कर रही हूँ, कब से बड़बड़ रहा रही थी, पागल जैसी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा ये आपको तो आपको कहाँ लगेगा ना, झगड़ा तो तुमने किया था ना। अब हो गया ना मेरे महान पति देव, हो गया। अब आप कहीं भी मर जाइए, चल कुछ खाने में कुछ बचा है, खाना है मेरे लिए रखा है तूने, जा जाके ले गया। खाना होगा तब तो लाऊंगी ना। क्या सुबह से खाया नहीं हूँ, अब जाके पेड़ के नीचे बैठा था गुस्से से, जैसे कि मैंने बोला था। झगड़ा तो तूने किया था? हाँ मैंने सोचा आप नहीं आओगे तो वो खाना पॉकेट में फेंकना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब पेट में चला गया। खाती कितना हो यार तुम, अब फेंकने से अच्छा तो पेट में जाए तो ठीक है ना। वैसे भी भुक्खड़ खानदान से हो, गरीब लोग हो तुम तो, अब खाना फेंकना ना पड़े इसलिए खाया था ना पतिदेव। आप भी क्या क्या बोलते हो अपनी पत्नी को, गरीब तो हो तुम लोग। आप गरीब हो तो मैं भी गरीब, आप धनी हो तो मैं भी धनी, ये कैसे हो? अब पति जैसा होगा पत्नी भी वैसे ही तो होगी ना। लेकिन खून तो तेरी माँ का तेरे अंदर है। लेकिन होने वाला खून तो आपका है ना। ये कब हुआ? मैंने आप
अच्छा बड़ा शर्मा रही है। अब देखो और भी ज्यादा। अरे अरे भाई बस करो, इसमें खाना भी जरूरी है ना, तो मैंने सब खा लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसा है ये जो क्या कहते थोड़ी नहीं, ये जो तुम्हारा अरमान है ये मेरे ऊपर मत पटको। अगर जो ऐसा कुछ है तो आज से घर चले जाओ अपने माँ के, क्योंकि मैं तुम्हारा रेख देख नहीं कर सकता, समझी? तो शादी क्यों की है? माँ घर में नहीं है ना, पिताजी है, तो आज ही थोड़ी ना बच्चा हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं होता, 8-9 महीने पूरा लगता है, अभी तो कितना हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ये बात है, हाँ तब तो रह सकते। अगर जो होने वाला हुआ माँ बाप होगा, आप नहीं देखे होंगे तो कौन देखेगा? तुम्हारे माँ बाप देखेंगे। मेरे माँ बाप ने ही वो कराई थी ना। वो लोग कब आए थे इस काम के लिए? अरे बुद्धू ये बच्चा आपका है तो आप नहीं देखेगा तो कौन देखेगा मेरे मान पति दे? अभी वो बड़ा होगा तब मैं देखूंगा ना, छोटे में थोड़ी ना देखूंगा। चलिए ठीक है, आप कुछ मेरा देख देख नहीं करना, लेकिन मैं रहूंगी आप नहीं रहते, ठीक है? तो चलिए आप सोते हैं। कैसे सोएंगे बिना खाने के? मैं तो फिर जा रहा हूँ। नहीं आप कहीं मत जाइए। तो खाना दाल मोट और भूजा चटनी, मासू तू खाएगी, मीट तू खाएगी, हड्डी भी मुझे नहीं देगी। अब मैं दाल मोट और भूजा चबा के रखूंगी, रात भर मेरे पेट में जो चूहे कूदेंगे। इसलिए तो बोल रही हूँ दाल मोट भूजा और चटनी। ऐसा साथ में ना थोड़ा सा मांस भी बना के रख जाओ। अब तो जाओ जाके बाजार से लेके आओ इस टाइम पे। रात के 11-12 बज चुके हैं। तुमने ये बहुत बुरा किया हाँ, खाना खाके खाया मत करो, ठीक है? नहीं तो पेल दूंगा। अरे वो वाला नहीं पागल, इतना मारूंगा ना। अब खा दिया तो खा दिया ना, मैंने सोचा फेंकना पड़ेगा, क्यों फोकट में फेंकू, इसलिए मैंने खा दिया। तो कुछ गलती किया क्या? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा हाथ में लग गया, क्योंकि रोल गलती गलती लगा है ना। ठीक है मान लीजिए, ज्यादा मुझे मतलब मेरे पास में आके महान पति जी ऐसे ऐसे मत किया कर, थोड़ा मेरे कहने का मतलब है थोड़ा दूर रहा कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, राजा हूँ, राजा तो पति हो ना मेरा, तब भी तुझसे बड़ा हूँ ना, मारूंगा। चल मैं जा रहा हूँ, चल आ जा पड़ाके, पानी वानी डालना पड़ेगा। जब देखे तब कान।